बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है खुशबाश होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड टू की उर्दू की किताब का सबक नंबर 6। सबक नंबर 6 का तारुफ मैं आपको करवा दूं। सबक नंबर 6 एक चिड़िया और चूहे की कहानी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चिड़िया और चूहे ने एक रोटी का टुकड़ा कहीं से पकड़ा और फिर उसमें उस पर दोनों में तकरार चल पड़ी, बहस मुबासा हुआ और जिसका फ़ायदा जो था वो कौवे मियाँ ने उठा लिया। इस तरह इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे कि किस तरह हम लोग अपनी चीज़ को दूसरे के साथ शेयर करके खाएं तो उसमें बरकत है। तो चलिए इसमें से हम रीडिंग करते हैं और साथ साथ आपसे मैं सवाल जवाब भी करूँगी। सबसे पहले है चिड़िया और चूहा। मैं आपको पहले इनका बता दूं कि ये देखिए, ये दरख्त के नीचे चिड़िया बैठी हुई है और साथ ही चूहा है और दरमियान में इन्होंने रोटी को देखा है और अब इस पर वो झगड़ रही हैं। ठीक है, कुछ अल्फाज हैं जिनका हमने तलफ़ुज़ सीखना है, उनको पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, ये सबक पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं। शीशम के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। शीशम, शीशम एक लकड़ी का नाम है, जैसे शीशम का दरख्त है ना, तो फिर वो दरख्त की लकड़ी जो है वो बहुत मशहूर है शीशम की। तो शीशम के पेड़, पेड़ का मतलब होता है दरख्त। शीशम के दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। जड़ों में चूहे ने बिल बना रखा था। पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जड़ें किसे कहते हैं और बिल किसे कहते हैं। जड़ें होती हैं दरख्त की सबसे निचली जगह, जो कि ज़मीन के अंदर होती है। ये देखें तस्वीर में, ये जड़ों का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाया हुआ है, लेकिन जड़ जो है वो बेसिकली ज़मीन के अंदर होती है। ये जड़ से ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ जड़ें होती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं और उन्हीं से फिर ये जो है सारा पौधा निकलता है। तो जड़ों में चूहे ने बिल बना रखा था। बिल यानी अपना घर बना रखा था। चूहे के घर को बिल कहते हैं। तो वो चूहा एक सुराख करता है और उसमें वो घुस जाता है और जब वो देखता है कि हालात साजगार हैं तो वो निकल आता है और फिर जब देखता है कि कोई उसका दुश्मन आ रहा है, जैसे बिल्ली उधर से गुजर रही है, तो फिर वो अपने बिल में चला जाता है। दोनों हमसाए थे। कौन हमसाए थे? चिड़िया और चूहा, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन चूहा बिल से बाहर निकला, उसे कुछ ही दूर रोटी का टुकड़ा नज़र आया। इसी लम्हे चिड़िया ने भी उसे देख लिया। इधर से चूहे ने छलांग लगाई, उधर से चिड़िया फुर से उड़ी। दोनों एक साथ लकड़ी के करीब पहुँचे। चिड़िया ने कहा, ये मेरा है। चूहा बोला, नहीं, ये मेरा है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक एक सफ़ा ख़त्म होता है तो मैं आपसे पूछूँगी कि आप पहले बताएं कि चिड़िया और चूहे का क्या ताल्लुक था। चिड़िया और चूहा आपस में हमसाए थे। तो बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमसाया किसे कहते हैं। हमसाया उसको कहते हैं जो हमारे बिल्कुल साथ वाले घर में रहता हो और जैसे कि हमारे साथ साथ ही हो। आपको पता होगा कि साया किसे कहते हैं। साया इंसान का उसके साथ होता है, जब वो चलता है, फिरता है, कहीं वो रोशनी में जाता है या अंधेरा होता है तो उसको पीछे जब मुड़ के देखता है तो इंसान का साया होता है, अक्स उसका जो। तो इसी तरह उसके साथ साथ जब साया होता है तो हमारे साथ वाले घर में जो रहता है उसे तशबीह दी गई है कि वो हमारा हमसाया है। और फिर अगला सफ़ा है, दोनों में छीना झपटी होने लगी। छीना झपटी यानी वो एक दूसरे से छीनने लगे। एक बकरी करीब ही चर रही थी। चर रही थी यानी घास खा रही थी। कहने लगी, देखो लड़ना बुरी बात है, लड़ना भिड़ना बुरी बात है। लड़ना भिड़ना होता है कि किसी बात पर बहस हो, तकरार करना और कोई एक भी ना हार रहा हो। तो उसने कहा कि ये बुरी बात है, मिल बांट कर खा लो, आधा टुकड़ा चिड़िया ले ले, आधा चूहा खा ले। तो बकरी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। चिड़िया ने कहा, मुझे मंजूर नहीं, पहले मैंने देखा था इसलिए ये मेरा है। चूहा बोला, नहीं, पहले मैंने इसे देखा था। यानी चूहे को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा, नहीं, पहले मैंने इसे देखा था इसलिए ये सिर्फ मेरा है।
एक चालाक कौवा ये लड़ाई देख रहा था। वो झट से टुकड़े पर झपटा, पंजे में दबाया, काहे काहे करता हुआ उड़ गया। चिड़िया और चूहा दोनों लड़ते झगड़ते रह गए। टुकड़ा चिड़िया को ना मिला, ना ही चूहे को। दोनों बहुत पछताए, सोचने लगे, हाय अफसोस, लड़ाई ना करते, मिल बांट कर ही खा लेते। तो बच्चों देखिए, इस कहानी से हमें एक अखलाकी सबक भी मिलता है कि जब बच्चा कोई भी इंसान जो है वो एक चीज़ के लिए लड़ता है, दूसरे से छीन कर अकेले ही खाने की कोशिश करता है या उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो सम टाइम ऐसे भी होता है कि उसके हाथ कुछ नहीं आता, या दोनों ही लड़ने वाले जो हैं वो खाली हाथ रह जाते हैं और चीज़ कोई तीसरा ले जाता है, यानी उससे फ़ायदा कोई तीसरा शख्स उठा लेता है। लड़ाई झगड़ा करने वालों को कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो बच्चों इस सबक में से हमने क्या सीखा? इस सबक में से हमने सीखा कि हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए। बांट कर खाना अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। तो इस तरह हमने इस कहानी से ये भी सबक सीखा और ये भी सीखा कि जो हमसाए हमारे करीब रहते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और अगर कोई चीज़ घर में हो तो उसको हमसायों के घर भी भेजना चाहिए। इसके बाद है बच्चों अल्फाज के मायने। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि अल्फाज के मायने अगर अभी आपको लिखने नहीं आते तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, आपको ज़ुबानी पता हो कि इन अल्फाज के कौन कौन से मायने हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी अल्फाज बांटना। बांटना के मायने है तकसीम करना। बांटना के क्या मायने हैं? तकसीम करना। उसके बाद है छीना झपटी। छीना झपटी के मायने है एक दूसरे से छीनना। फिर है पछताना, अफसोस करना। इसके बाद है झट, जैसे कि उसने झट जवाब दिया, कोई भी जुमला आपने, मैंने झट से उसे पेन छीन लिया, कोई भी आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। झट का मतलब होता है फौरन। फिर है लड़ना भिड़ना। लड़ना भिड़ना का मतलब है लड़ाई करना, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है उसको लड़ना भिड़ना कहते हैं, किसी चीज़ पे वैसो तकरार कर रहे हैं और हार कोई भी नहीं रहा। हाय, हाय वो कलमा है जो अफसोस में निकाला जाता है मुँह से, कलमा है अफसोस, यानी किसी को दुख हो रहा है तो उसने हाय कह दिया, किसी चीज़ पर भी अफसोस हो रहा है उसने हाय कह दिया। तो जैसे कि अल्फाज को हम कलमा कहते हैं तो इसलिए ये कलमा अफसोस कहलाएगा। तो बच्चों इसकी मैंने छोटी सी एक एक्टिविटी टाइप बनाया हुआ है, इसमें से आप देखिए कि हमने जैसे कि अल्फाज हैं बांटना है, बांटना, तो इसके दो मतलब मैंने लिखे हुए हैं कि बच्चों को इसकी पहचान हो जाए। बांटना का मतलब तकसीम करना है या कम करना है, कोई सा भी दूसरा लफ्ज़ जो इसके साथ मैच नहीं हो रहा, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि ये लफ्ज़ तो इसका मीनिंग नहीं है, इसका मतलब तो सिर्फ तकसीम करना है, तो फिर हम इसको तकसीम करना जो लफ्ज़ है इसको मुंतखिब करेंगे, इस पर चाहे सर्कल लगा दें, टिक्का निशान लगा दें। अच्छा, इसके बाद है छीना झपटी। छीना झपटी किसे कहते हैं? ज़ाहिर है लड़ाई झगड़े को कहते हैं, किसी चीज़ एक को एक से दूसरी को चीज़ को छीन लेना, जैसे कि रोटी का टुकड़ा चूहा चाहता था मैं छीन लूँ और चिड़िया चाहती थी मैं छीन लूँ। तो इसके दो मतलब मैंने लिखे हुए हैं, एक दूसरे को मारना नहीं, एक दूसरे को मारना इसका दुरुस्त मानी नहीं है, एक दूसरे से छीनना, एक दूसरे से छीनना को छीनना झपटी कहते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर दो मायने दिए जाते हैं, लेकिन आपको दुरुस्त मायने आना चाहिए। इसके बाद है पछताना। पछताना, पछताना का मतलब है अफसोस करना। एक और इसका मायने दिया हुआ है शरारत करना। तो बच्चों जब आप पढ़ेंगे उसको याद करेंगे, थोड़ा सा आपने अल्फाज पर भी ख्याल रखना है कि अफसोस करना तो ज़ाहिर है अलिफ से ही अफसोस करना बनता है, तो ये लफ्ज़ जो है ये दुरुस्त है, पछताना का मतलब है अफसोस करना। इसके बाद है झट। झट पट, जैसे कि फौरन,
तो झट का मतलब क्या है? फौरन। फे व फौ रे दो जबर रन, फौरन। तो एक मतलब मैंने लिख दिया भागना, यानी किसी ने कहा कि झट तो वो भाग गया, नहीं ये गलत है, इसका मतलब है फौरन। इसके बाद है लड़ना भिड़ना। लड़ना भिड़ना का मतलब क्या है? जैसे लड़ना से लड़ाई है तो इसका मतलब आसान है, लेकिन यहाँ फिर भी मैंने दो मायने लिखे हैं, एक लिख दिया सफाई और एक लड़ाई। तो आप कहेंगे कि भाई लड़ना का मतलब सफाई क्यों हुआ? हाँ तो ठीक है ना, लड़ना का मतलब है लड़ाई। फिर इसके बाद है हाय। हाय का मतलब क्या है? वही जैसे किसी को तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहते हैं हाय। तो ये कलमा अफसोस है, ये दुरुस्त है। वैसे दूसरा मैंने मैंने लिखा था हैरानी, यानी कि हैरानी का लफ्ज़ है हाय, तो ये गलत मायनी है, इसलिए आपको सिर्फ दुरुस्त मानी का पता होना चाहिए, तो आपने दुरुस्त मानी का इंतखाब करना है। तो इसके बाद है बच्चों, हम लोग आगे देखेंगे कि इस कहानी में से आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब और गलत जवाब की निशानदेही दायरा लगा कर करें। चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। अलिफ में है चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। अब हमने क्या पढ़ा था? चिड़िया का घोंसला कहाँ था? आपने कहानी को अगर गौर से सुना है तो फिर आपको पता होगा, अदरवाइज़ अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही दिखाई है तो फिर भी आप उसका पहला पैराग्राफ ही देखें तो लिखा हुआ है शीशम के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। तो पेड़ ज़ाहिर दरख्त को कहते हैं, इसलिए ये दुरुस्त है कि चिड़िया का घोंसला शीशम के दरख्त पर था। तो इसको हम दायरा लगाकर दुरुस्त जवाब मुंतखब करते हैं। इसके बाद है हिस्सा बे में, चिड़िया और चूहा मकई के दाने पर लड़ने लगे। चिड़िया और चूहा मकई के दाने पर लड़ने लगे। तो बच्चों वो मकई का दाना था या रोटी का टुकड़ा था? तो इसका मतलब है कि ये जो है लाइन, ये गलत है, तो हम इस पर गलत पर सर्कल लगाएंगे कि ये जुमला गलत है, तो मकई का दाना नहीं था। इसके बाद है तीसरा, चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी। अब ये बताएं कि ये दुरुस्त है या गलत है? क्या उन्होंने बकरी की नसीहत सुनी? तो नहीं ना, उन्होंने बकरी की नसीहत नहीं सुनी, ये ठीक है। अगर वो बकरी की नसीहत सुन लेते तो नुकसान ना उठाते। इसके बाद है चील रोटी का टुकड़ा ले उड़ी। तो अब आप बताएं कि वो चील थी क्या था? तो अगर चील थी तो फिर आप ज़रा सोचें, आपने कहानी को गौर से नहीं सुना। हाँ जी, वो तो कौवा था। तो यहाँ है चील रोटी का टुकड़ा ले उड़ी, इसका मतलब है ये गलत जुमला है, ये ठीक नहीं है। सबसे आखिर में है चिड़िया और चूहा बहुत पछताए। तो बच्चों आपने ये कहानी सुनी है, अब आप भी बता सकते हैं कि क्या चिड़िया और चूहा बाद में पछताए थे या नहीं पछताए थे। हाँ जी, चिड़िया और चूहा बहुत पछताए थे, क्योंकि उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। अगर वो थोड़ी थोड़ी रोटी भी ले लेते तो उनका पेट भर जाता, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई और ज़िद में आके अपना नुकसान किया। तो ये दुरुस्त है, चिड़िया और चूहा बहुत पछताए। इसके बाद है बच्चों, दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। तो सबसे पहले जो सवाल है, ये मैंने मुख्तसर जवाब लिखे हैं। सबसे पहला सवाल है, चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज़ नज़र आई? तो चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज़ नज़र आई थी? रोटी का टुकड़ा नज़र आया। चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। बच्चों तो जो बच्चे थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं उर्दू को, वो शुरू में ये भी लिख लें, चिड़िया और चूहे को रोटी का टुकड़ा नज़र आया। अदरवाइज़ ये भी जवाब ठीक है कि रोटी का टुकड़ा नज़र आया। इसके बाद है, चिड़िया और चूहा क्यों पछताए? क्योंकि रोटी का टुकड़ा कौवा ले गया। क्योंकि रोटी का टुकड़ा कौवा ले गया, इसी वजह से वो पछताए थे। इसके बाद है, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? तो बच्चों ज़ुबानी तो इसका सबक बहुत लंबा भी हम सीख सकते हैं, यानी कि मिल बांट कर खाना चाहिए एक दूसरे के साथ, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, या जो भी चीज़ आ जाए हाथ में वही अच्छी है, या ज़्यादा के लालच में कम को नहीं गंवाना चाहिए। तो ये सारा कुछ तो आपने सीखा है,
लेकिन मुख्तसिर सा इसका जवाब मैंने लिखा हुआ है कि बांट कर खाना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ हो उसको बांट कर खाने से बरकत भी होती है और इंसान लड़ाई झगड़े से भी बच जाता है। तो बच्चों ग्रुप बनाकर चिड़िया और चूहे की कहानी अपने अल्फाज में सुनाएं। इस तरह जब बच्चे बैठते हैं मिलकर तो वो कहानी को अपने अल्फाज में सुनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह वर्ड टू वर्ड आपने कहानी सुनानी है। जैसे आप किसी को कोई बात सुना रहे हो, जैसे आप स्कूल का कोई वाक्या सुना रहे हो कि आज हमारे स्कूल में ये हुआ, अपने दोस्त को बता रहे हो, इसी तरह ये कहानी आपने सुनानी है कि इस तरह एक चिड़िया और एक चूहा था तो उनके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद है बच्चों लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ में तब्दील करें और इस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे हम हरूफ को तोड़ लेते हैं, इसी तरह अब हरूफ को जोड़ के लिखना है। तो पहला लफ्ज़ है, पहला जो है छे, चे है छे, और फिर लाम अलिफ। यहाँ नून आता है, लेकिन जब हम लिखते हैं या बोलते हैं छलांग, जैसे हम एक लफ्ज़ है बोलते हैं, तो हम नून का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें नून गुना यानी हल्की सी नून की आवाज़ निकालते हैं छलांग। तो अगर नून का इस्तेमाल करें तो फिर वो नून भी वाजे हो, छलांग वो गलत हो जाता है, इसलिए हम छलांग। तो जैसे हमने बोलना है इस तरह यहाँ नून गुना लिखा है। ये एक सॉल्व है जो आपकी हेल्प के लिए है। और फिर इसका गाफ जो है वो आखिरी हरफ है, तो गाफ से एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, गाय, ठीक है। फिर इसके बाद है मीम नून जोएं वाओ रे मंजूर, तो यहाँ हम लिखेंगे मंजूर। मंजूर और फिर रे से हम कौन सा नया लफ्ज़ बनाएंगे, रे से रात। आसान से अल्फाज हैं जो हमें बनाने चाहिए। इसके बाद है रे वाओ टे छोटी ए, रे वाओ टे छोटी ए रोटी, तो रोटी जो है इसको हम यहाँ जोड़ के लिखेंगे रोटी। तो ये से हम कौन सा लफ्ज़ बनाएंगे, ये से हम आसान सा लफ्ज़ बना लेंगे याद। इसके बाद है यानी मैं सबक याद करता हूँ, ये इस तरह एक छोटा सा लफ्ज़ बन गया। फिर है टे काफ रे अलिफ, टे काफ रे अलिफ, तो इसे हम कौन सा लफ्ज़ बनाएंगे, आपने पढ़ा है उसमें कहानी में टे काफ रे अलिफ टुकड़ा, या हम टुकड़ा। तो बच्चों इसके आखिर में आ गया अलिफ, अलिफ से आप कौन सा नया लफ्ज़ बनाएंगे। अलिफ से हम कई नए अल्फाज बनते हैं, जैसे है कि आग, लेकिन आग जो है वो अलिफ मदा से आता है, अलिफ से और क्या लफ्ज़ बनेगा। अलिफ से हम बना सकते हैं अमन, अमन और सुकून जैसे होता है, तो ये अलिफ से अमन। इसके बाद है काफ वाओ दाल अलिफ, काफ वाओ दाल अलिफ कूदा, कूदा, तो ये हम इस तरह लिखेंगे काफ वाओ दाल अलिफ कूदा। तो फिर आखिर में अलिफ आ गया, अब हम अलिफ से क्या बनाएंगे, अब हम बना सकते हैं अलिफ नून अलिफ ना जीम अनाज। तो बच्चों सबसे आखिर में जिस तरह के हमेशा से है, हर सबक के आखिर में है कवायद सीखिए, कवायद यानी ग्रामर। तो दर्जा ज़ैल अल्फाज को गौर से पढ़िए, इन अल्फाज में आखिर से अलिफ या हे को हटाकर बड़ी ये लगाने से इनकी जमा बन जाती है, जैसे है चूहा चूहे बस्ता बस्ते। तो इसी तरह नीचे लिखे हुए अल्फाज हैं कव्वा कव्वे बेटा
बेटे, लड़का, लड़के। तो यहाँ मैं आपके लिए लिख रही हूँ, कौवा, कवे, बेटा, बेटे। देखें अलिफ, कवा के आगे से अलिफ को ख़त्म किया और बड़ी जी लिख दिया तो इसकी आवाज़ बदल गई, ये कवे हो गया और ये जमा भी हो गई, यानी एक कवा से ज़्यादा कवे। और बेटा है तो अलिफ को ख़त्म करके बड़ी जी लिख दिया तो बेटे बन गया, यानी ज़्यादा बेटे। लड़का, लड़की। काफ, बढ़िए, लड़के। इसके बाद है तोता, तोते। तोयवा, तो तोए, बढ़िए, तोते। तो अलिफ को ख़त्म किया और बढ़िए लगा दिया तो तोते। बच्चा, बच्चे। इसी तरह लिखकर बच्चा हम इसके साथ ही बढ़िए को मिला देंगे तो बच्चे बन जाएगा, तो ये इसकी जमा हो जाएगी। पोता, पोते। पेवा, पो, ते, बढ़िए, ते। तो ये जमा हो गई। तो देखिए बच्चों, इसी तरह किसी भी लफ्ज़ के आगे से उसके हे या अलिफ को हटाकर बढ़िए लगा देने से जमा बन जाती है। जिस तरह कव्वा, कव्वे, बेटा, बेटे, लड़का, लड़के, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, पोता, पोते। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन जो है वो रह गया ये जो था कि तलफ़ुज़ सीखें, तो तलफ़ुज़ कैसे इसके सीखने हैं, हमने नंबर एक पे था ये वाला सवाल है, तलफ़ुज़ सीखें। इसमें पहला लफ्ज़ था पेड़, पेड़ को कैसे लिखना है, पे, ये और डे। तो बच्चों तलफ़ुज़ में मैं आपको बता दूं कि जब हम पे की आवाज़ निकल रही है ए की तरह, पे, यानी इसके जब हम हिजे बनाएंगे तो पे के बाद हम ए की आवाज़ जो निकालता है, फिर वहाँ जब ए की आवाज़ निकलती है तो यहाँ बड़ी ये लगता है पे, और फिर इसके बाद रे। तो इसके बाद है बिल, बे, ज़ेर, लाम, बिल। इसके जो हैं हरूफ होंगे बे, ज़ेर, लाम, बिल, इसी तरह। और फिर है फुर, पे के साथ दो चश्मी हे को जोड़ें तो फ बन जाता है, फा के ऊपर पेश है और फिर रे इसके साथ जोड़ के हम क्या बनाएंगे, फुर। यहाँ हम दो चश्मी हे और पे को इकट्ठा लिखेंगे पेश के साथ और फिर आर को अलग, तो ये बन गया फुर। इसके बाद है छीना, झपटी। छीना भी ये है जैसे हम लफ्ज़ी गिनती में छः लिखते हैं, छः हे के साथ छः, तो इस तरह पहले छः लिख के फिर ये छोटी शक्ल और नून लिखना, छीना। तो यहाँ हम इसको अलग अलग भी लिखेंगे छः। अब यहाँ बेटा ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बताऊँ, यहाँ हमने छी ना लिखा है, यहाँ वहाँ लिखा था पेड़ तो वो आवाज़ ए की थी, पेड़, वहाँ हमने बड़ी ये लगाया, अब ये है छीना तो यहाँ ई की आवाज़ है तो यहाँ छोटी ये लगेगा, छी ना। आप अपने साउंड से बता सकते हैं कि कहाँ छोटी ये लगनी है और कहाँ बड़ी ये, जहाँ ई की आवाज़ हो वहाँ छोटी ए का इस्तेमाल होगा और जहाँ ए की आवाज़ हो वहाँ बड़ी ए का इस्तेमाल होगा। और झपटी, अब है जीम, हे, झप, झ की आवाज़ निकली, फिर है जप, पे के साथ छोटी शक्ल और टे छोटी ए टी, झपटी। यहाँ हम जब इनको अलग करके लिखेंगे तो फिर झ, पे, टे, और यहाँ टी लिखना है तो इसलिए यहाँ भी ई की आवाज़ है इसलिए हम छोटी ये लिखेंगे, झपटी। इसके बाद है बांट, तो बांट को हम कैसे लिखेंगे, बे अलिफ बा नून टे, बांट। इसके साथ है बे अलिफ नून टे, बांट। यहाँ भी बच्चों जो नून है उसका थोड़ा सा एक सौंट सा अंदर आता है, उसको अलग से महसूस करवा के नहीं बोला जाता, बांट। फिर है लड़ना, भिड़ना। तो लड़ना और भिड़ना इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, लड़ना, लाम, रे, नून, अलिफ, लड़ना। यह है भीड़ना,
बे है को जब दो चश्मी है के साथ मिलाएंगे तो वो भारी अल्फाज निकालेगा भ। तो इस तरह इसके नीचे जेर और रे को साथ जोड़ के नून अलिफ ना भीड़ना। अभी हम इसको अलग करके लिखेंगे। यहाँ जेर है लेकिन हम छोटी ये का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ जेर का इस्तेमाल है। भीड़ ना। इसके बाद है अगला लफ्ज़ झट। झट जैसे ये भारी अल्फाज का इस्तेमाल है छे में भी और झ में भी है, फे का भी इस्तेमाल है, भ का भी इस्तेमाल है, इस तरह फिर झ का इस्तेमाल दोबारा से है। जीम है झ और फिर इसके साथ टे जोड़ेंगे तो झट। जब हम इसको अलग करके लिखेंगे तो फिर भी जीम है अलग ही इस तरह जुड़ा हुआ लिखा जाएगा, फिर टे अलग है झट। अब इसके बाद रह गया पछताना। पछताना पे छे, ये देखें ये पे है, पे के नीचे तीन नुक्ते और ये चे है, चे के साथ दो चश्मी है तो ये आवाज़ निकल आई छे की। पछ ते अलिफ ता, पछता नून अलिफ ना पछताना। अब फिर हम इसको पे को तो अलग कर लेंगे लेकिन चे ही को इकट्ठा रहने देंगे। पछ ते अलिफ नून अलिफ पछताना। तो ये बच्चों इनका तलफ़ुज़ है, किस तरह इन लफ्ज़ों को बोलना है, किस तरह इनको लिखना है और फिर किस तरह इनके हरूफ बनाने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।